बात जरूरी समझ लेनी चाहिए कि ये जो प्रसंग कौन सा है, कहां की घटना है, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। विनम्र निवेदन है, आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि विषय हंसी मजाक का नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा स्वाभिमान का है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपने सहयोग दिया है, जब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है बिल्कुल देख रहे हैं और मौजूदगी से बिल्कुल साथ दे रहे हैं। एक समय की बात है, हमारे हिंदुस्तान में शहंशाह हिंद अकबर बादशाह की सत्ता थी, उनके सेनापति जो कंपनी कमांडर सीपेसलार, जो कि पृथ्वी सिंह मौजूद वहां दरबार में, पृथ्वी सिंह छुट्टी लेके गौना करने के लिए अपनी ससुराल जाते हैं और किरणमयी जो उनकी पत्नी है उसको वापस लेके आते हैं अपने महलों में। जैसे ही पृथ्वी सिंह महलों में आते हैं, उन्हें एक चिट्ठी प्राप्त होती है कि सीमा पे जंग छिड़ गई है, आपकी सख्त आवश्यकता है, सेना में वापस आ जाइए। तो पृथ्वी सिंह किरणमयी से क्या कहते हैं और किरणमयी क्या कहती है, चूंकि गौना करके आए हैं और अचानक में सूचना आ गई है, उस समय की बात है। किरणमयी मेरी बात ध्यान से सुनिए, पियाजी मुझे दरबार के लिए जाना है। लेकिन क्यों पियाजी? चूंकि मुझे चिट्ठी आ गई है, मेरा प्रोटोकॉल का काम है, जैसे हमारे दीवान जी यहाँ दरोगा जी प्रोटोकॉल निभा रहे हैं। पियाजी अभी तो मेरा गोना ही होकर आया है, अभी तुम इतनी जल्दी चल दिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे दरबार के लिए जाना होगा, अन्यथा बादशाह अकबर मुझे कुछ सजा लगा देंगे, मुझे जाना ही होगा। और तुम वेट करो, मैं बहुत जल्दी वापस आता हूँ और छुट्टी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। कहिए पियाजी। हाँ, हेरी दरबारों में जाना छुट्टी 15 दिन की। और मेरी बात भी सुनिए पिया जी। सुना दीजिए। अरे तेरे बिन भर तार मेरी रे, तेरे बिन भर तार मेरी कोड़े पुछड़िया न मन की। दरबारों में जाना से थी छुट्टी 15 दिन की। समझो, कहीं मैं एक सेना में मुलाजिम हूं, एक अधिकारी के पद पर हूं, मैं ऐसा हाकिम हूं कि मेरे नीचे बहुत सारे सैनिक हैं और मुझे उस लड़ाई में जाना होगा। लेकिन पियाजी लड़ाई की तो तू सोच रहा है, कम से कम मेरे बारे में तो सोच ले। कोई बात नहीं है, थोड़ी सी घर में भी लड़ाई कर लो, धैर्य रखो, बहुत जल्दी छुट्टी लेकर वापस आना है मुझे। और मेरी बात सुनिए पियाजी। दरबारों में
दरबारों में देनी हाजिरी, बात कसूती अड़की। एक घड़ी जी ला के ना ऐसे मोह जाल में पड़ेगी। दरबारों में देनी हाजिरी, बात कसूती अड़की। एक घड़ी जी ला के ना ऐसे मोह जाल में पड़ेगी। एक किरण मई क्यों लाली झड़की, किरण मई क्यों लाली झड़की, भई गोरे गोरे तन की। जान बहू के मन में हो से, जान बहू के मन में हो से, बुरी फट साजन की। दरबारों में जाते थी छुट्टी 15 दिन की। तेरे बिन भर तार मेरे रे, तेरे बिन भर तार मेरे रे, छुट्टियां की। दरबारों में जाते जी। हाँ जी, इतना बड़ा महल है। हाँ मैं जी, हाँ अकेली क्यों कर रहूंगी? कोई बात नहीं है, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, अकेला तो मुझे जाना है। नहीं पियाजी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तेरी मेरी बात सुन ले। देखिए, इस बात पर प्रसन्न होकर के श्रीमान मास्टर विनोद सिंह जी, जो कर्णपुर जट गांव के निवासी हैं, 100 रुपए इस ऐतिहासिक रचना पर देते हैं, हमारा मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी कड़ी में रुत्वी राणा, जो कि प्रदीप राणा जी के पुत्र हैं, नगर निगम गाजियाबाद, 100 रुपए इनके 3-4 बार हमने पहले भी हमने मान सम्मान प्राप्त किया है, इस बार भी 100 रुपए से सम्मान करते हैं। भाई का बार बार धन्यवाद इसी बात। तेरे बिन भर तार महल में, तेरे बिन भर तार महल में। और पियाजी सुनिया, अगर तू चला जाएगा मेरा जी कैसे लगेगा? अच्छा, हाँ सुना दे। सुन ले, हाँ। तेरे बिन भर तार महल में जिया क्यों कर लागा, जब सतराख आत्मा में कदे पाप नहीं जागेगा। तेरे बिन भरतार महल में क्यों कर जिला गेगा, जब सतराख आत्मा में कदे पाप नहीं जागेगा। जी उठ उठ के यो भागेगा, जी उठ उठ के यो भागेगा, छिड़नी पाप बिहान की। दो महीने में आ जाऊंगा ले डाल डाट जो बन की, दरबारों में जाना से। कैसा है पियाजी? तुम्हें देख रहे हैं, दो दीवान जी बैठे हैं, दिख रहे हैं। बालकों के लिए नौकरी पे तैनात है या नहीं? है। तो मैं अपने बालक ना पालूं कल को? तो ये इनका गोना हुआ होगा तभी आगे होंगे, अभी तेरा गोना ही तो हुआ है। इनके सब कुछ हो गया। अच्छा, हाँ कह दे अपनी बात। तो धैर्य रखे कर। बिना कर्म
काम संसार का धंधा हाँ? कदे तमाम चले ना। वीर मर्द के संगठन बिन दुनिया में ना चले ना। बिना कर्म संसार का धंधा कदे तमाम चले ना। वीर मर्द के संगठन बिन दुनिया में ना चले ना। बिना कमाए काम चले ना। बिना कमाए काम चले ना। चाहत रहे सैतान की तू कर सबर करू बालम मेरी उमर खेल खावड़ की। ये दरबारों में जाना से मत करे। देखिए कितने लोग सम्मान में तेरी बात सुन सुन के सम्मान करने आ रहे हैं ना। आ रहे हैं। क्यों परेशान है खाओ खा तो मैं भी आ जाऊंगा और पैसा मिल ले। रुतवी राणा फिर उन्हीं की छाप है। रुतवी राणा जो प्रदीप राणा जी के पुत्र हैं नगर निगम गाजियाबाद 100 रुपए से इस बार भी उन्होंने सम्मान किया है। भाई एक बार जोरदार ताली लगाओ इनके लिए। क्या बता दिया और पियाजी चल कोई बात नहीं तू चला जाइए। अच्छा लेकिन मुझे ये बता दे किस दिन आवेगा किस टाइम आवेगा। अब इस बात तो पता न चलेगा। सूबेदार साहब आर्मी की बात है तो वही बता सके। अब एक बात बताता हूँ अभी तो मेरा गोना होकर आया है और इतनी में इसे भेज दू। हाँ हाँ ना भेजू ना मना कर रहे जी। अब तो कैसे यकीन आवेगा। अरे मुझे जाना है मैं जो है बादशाह के दरबार में हाकिम हूँ और मेरे नीचे बहुत से सैनिक हैं। अच्छा। और तू समझ नहीं पा रही मुझे वो कुछ सजा लगा देगा। मेरा जाना जरूरी है मेरी डिफेंस। मैं नहीं भेजने की मेरी बात सुन ले। अच्छा। हाँ। कैसे देवर जी सभी मर गए। कदसी आवेगा साजन रे। कदसी आवेगा साजन रे। सुन पिया जी कदसी आवेगा साजन रे। कदसी आवेगा साजन रे। पक्का इकरार कर जा। हे तावल करके अरे तावल करके आलूंगा परी घूट सबर के भर जा। कदसी आवेगा साजन इकरार कर जा। तावल करके आलूंगा परी घूट सबर के भर दे। तेरे बिन बहु रो रो मर जा। तेरे बिन बहु रो रो मर जा। कैसे सच्ची बढ़ती चंदर लाल रहेगी घर में। चंदर लाल रहेगी घर में। एक एक घड़ी कठिन की दरबारों में जाना से भी तेरे बिन भर तारा मेरे रे। दरबारों में जाना से